ओके तो भाई जिस तरीके से महाभारत में भीष्म पितामह अनडिफीटेड थे, उनको कोई नहीं हरा सकता था, करेंट टाइम वही सेम चीज रोमन रेंज के साथ भी हो रहा है। रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता, ना ही रोमन रेंज कभी अपना चैंपियंस वर्ल्ड को हारने वाला है। हाँ, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो भाई चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो भाई सारा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी 2 घंटा जस्ट पहले जायरो न्यूज, जो की काफी ट्रस्टेड सोर्स है, उसके तरफ से बहुत सारे रिपोर्ट रोमन रेंज के बारे में निकल कर सामने आया। इसे सुनने के बाद आप सच में शॉक हो जाने वाला, मैं आपको सारा रिपोर्ट बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहला रिपोर्ट तो ये कि आपको रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना आपको थर्ड टाइम रिवेलरी आपको फिर से देखने को मिल सकता है इस बार का सऊदी के अंदर। जॉन सीना रिसेंट में इंटरव्यू के अंदर इस बात को खुद से कंफर्म किया कि रोमन रेंज के साथ फिर से मैच के अंदर रेसल करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस न्यूज को डेव मेल्जर ने कवर किया, मतलब भाई काफी हाई चांसेस है कि एमएसडब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें फिर से देखने को मिल सकता है। इस पॉइंट पर मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए बुरा लग रहा तो वो एजे स्टाइल के लिए लग रहा है। भाई बेचारे ने मार खा लिया, उसके बाद भी उनको मैच नहीं मिला रोमन रेंज के साथ। जस्ट 1-2 दिन पहले वीडियो के अंदर बताया था कि शायद एजे स्टाइल फेस कर सकते हैं रोमन रेंज को सऊदी के अंदर, पर भाई शायद वो प्लान डब्ल्यू वाले कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, आपको रोमन रेंज वर्सेस सीना फिर से आपको सऊदी के अंदर थर्ड टाइम देखने को मिलेगा, यहाँ पर जॉन सीना फिर से हारेंगे। और भाई इसके बाद जो रिपोर्ट है वो मतलब नेक्स्ट लेवल का, आप लोग आराम से इसे पढ़ भी सकते हैं, जो कि जायरो न्यूज की तरफ से निकलकर सामने। जायरो न्यूज वालों ने अपने तरफ से इस बात को कंफर्म किया कि शायद रोमन रेंज रेसलमेनिया के दोनों नाइट के ऊपर रेसल कर सकते हैं। रेसलमेनिया फर्स्ट नाइट के ऊपर आपको रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिल सकता है। रेसलमेनिया सेकंड नाइट के ऊपर आपको रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच देखने को मिल सकता है। कमाल की बात है कि फर्स्ट नाइट और सेकंड नाइट दोनों नाइट के ऊपर रोमन रेंज आपको धोने वाले हैं। मतलब भाई करंट टाइम में रोमन रेंज का कोई चांस ही नहीं बन रहा कि 2024 के अंदर रोमन रेंज अपना चैंपियंस वर्ल्ड को हारने वाले। रोमन रेंज के सामने डब्ल्यूई वाले चाहे कोई भी अपोनेंट लेकर आ जाए, रोमन रेंज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोमन रेंज का भाई बिल्कुल क्लियर है, वो हारने नहीं वाले। नेक्स्ट अगर हम लोग कोडी रोड्स का बात करें तो भाई आप लोग यहाँ पर साफ तरीके से देख सकते हैं कोडी रोड्स रोमन रेंज का स्टोरी फिनिश नहीं करने वाले। कोडी रोड्स के बारे में जो रिपोर्ट आई है, कोडी रोड्स शायद सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन करके हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, पर वो रोमन रेंज को डिथ्रोन नहीं करेंगे। और हाँ, ये जो रिपोर्ट है एक न्यूज चैनल वाले नहीं, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले अभी जस्ट इसको पोस्ट किया, आप लोग देख सकते हैं रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक्जेक्टली यही रिपोर्ट निकलकर सामने आया। रेसलमेनिया फर्स्ट नाइट के ऊपर रोमन रेंज वर्सेस कोडी का मैच तो होने वाला है, पर भाई यहाँ पर कोडी रोड्स हार जाने वाला है फिर से रोमन रेंज के सामने। और भाई मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इसके ऊपर मैं कैसे रिएक्ट करूं। मतलब ये गुड न्यूज भी एक बैड न्यूज भी। न्यूज़ ये कि हमें रोमन रेंज काफी टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाला है, बैड न्यूज ये कि भाई ये मतलब बंदा कभी हार ही नहीं रहा। मतलब लिटरली भाई आज के 1-2 साल बाद मतलब रोमन रेंज इतने बड़े लेवल के रेसलर हो जाएंगे, मतलब डब्ल्यू वाले सच में कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब इनको हरवाएं कैसे। अगर हम लोग ट्रिपल एच का एरा का अगर हम लोग सबसे बैड चीज का अगर हम लोग बात करें तो भाई उनके एरा का सबसे बैड चीज यही कि भाई उनके मतलब एरा के अंदर जो भी चैंपियन बन रहा मतलब हार ही नहीं रहा। आप लोग करंट टाइम रोमन रेंज को देख लो, आप लोग करंट टाइम गुंथर को देख लो, आप लोग सेथ रॉलिंस को देख लो, भाई कोई भी चैंपियंस वर्ल्ड को हार ही नहीं रहा। अगर हम लोग रोमन रेंज का बात करें तो भाई जैसा 2023 पूरे साल गया वैसे 2024 पूरे साल जाने वाला। अगर हम लोग 2023 साल का बात करें तो रोमन रेंज मेरे ख्याल से बस 3 बार अपना चैंपियंस वर्ल्ड को मेरे ख्याल से 3 या 4 बार डिफेंड किया। 2024 के अंदर भी रोमन रेंज उसी तरीके से अपना चैंपियंस वर्ल्ड मतलब बहुत कम ही डिफेंड करते हुए आपको दिखने वाला। हां, मे बी 1 या 2 साल बाद शायद वो टाइम आ सकता है जब मतलब रोमन रेंज के साथी वाला मतलब सोलो सिकोवा भी उस लेवल के बन सकते हैं जो कि रोमन रेंज को डिथ्रोन करे। क्योंकि भाई अगर हम लोग करंट टाइम में देखें तो सेथ रॉलिंस डिथ्रोन कर नहीं सकते, कोडी रोड्स का भाई कोई चांसेस बताए नहीं जा रहा, बॉबी लेस्ली कर नहीं सकते। अगर हम लोग न्यू रेसलर का बात करें तो मेरे ख्याल से 2-3 रेसलर का नाम आ रहा है। सबसे पहले सोलो सिकोवा होगा, उसके बाद एक ब्राउन ब्रेकर होगा। मतलब सीरियसली कुछ लोग के लिए करंट टाइम में गुड न्यूज भी कि मतलब रोमन रेंज हार नहीं रहे, और मतलब कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज है कि भाई ये हार ही नहीं रहा। वैसे मैं आपको इस बात को फिर से क्लियर तरीके से बता दे रहा हूँ, रोमन रेंज 2024 के अंदर तो भाई डेफिनेटली हारेगा नहीं, 2025 के अंदर शायद से हार सकते हैं। क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का मैं डेली न्यूज करता हूँ, रेसलमेनिया 39 के बाद ऐसा एक भी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आया जो कि इस बात को बताया कि रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंज हारेंगे। मेरे ख्याल से हम दोनों को रेसलमेनिया 41 के लिए वेट करना होगा जब रोमन रेंज अपना चैंपियंस वर्ल्ड को शायद से हारेंगे। वैसे भाई सच में रोमन रेंज ने जो 2023-24 के अंदर आकर रोमन रेंज ने जो एंपायर खड़ा किया, मतलब सच में भाई वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। आपको सही बता रहा हूँ, डब्ल्यूई वालों को कम से कम 15-20 साल वेट करना होगा तभी भी उनको रोमन रेंज जैसा बड़ा रेसलर उनको डब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेगा ही नहीं। वैसे मैं वीडियो को बहुत ज्यादा खींचने नहीं वाला हूँ, आप लोग बस कमेंट में ये बताइएगा कि आपको अब कौन लगता है कि कौन रोमन रेंज को हराएगा। हाँ, कमेंट में प्लीज ब्रॉक लेसनर का नाम मत लेना क्योंकि ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली नहीं हराएंगे। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट बात करना होगा सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।